नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टॉप की चुनाव यात्रा। हम दूसरे फेज की जो सीटें हैं वहां पहुंच गए हैं, दिमासा जिले में। उसकी प्रशासनिक राजधानी हाफलोंग में है। हाफलोंग की जो जगह है, जो ये हाफलोंग मार्केट है, और ये देश के किसी भी मार्केट की तरह यहाँ पे ढेर सारी वैरायटी है सामान की, और लोग अभी रोज़मर्रा के सामान की अभी ख़रीदारी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक दुकान ऐसी दिखी जहाँ पे हमें कई तरह की मछलियाँ दिखी, जो कि मतलब ड्राई फिश है, सुखा ली गई हैं मछलियाँ हैं। तो हमको थोड़ी उत्सुकता हुई कि ये क्या चीज़ें हैं और कितनी किस्में हैं। और चूंकि यहाँ बार बार शिकायत की जाती है हाफलोंग में कि पानी की बड़ी कमी है, तो ये कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? कमल वैष्णव। कमल वैष्णव। अच्छा, ये कौन कौन सी मछलियाँ हैं, एक बार इनका नाम बताएंगे आप? ये लोटिया है। कौन सी? ये लोटिया है। ये तो लंबी दिख रही है। लंबी है, लंबी है। कितनी लंबी? ये जब जिंदा होती है तब कितनी लंबी होती? जिंदे वाला तो हम लोग सोमानी है। अच्छा, और ये? ये पुटिया है। अच्छा, आप ऐसे लकड़ी लग से दिखा, बताओ तो कैसे? ये पुटिया है। अच्छा, ये बुजिया है। अच्छा, ये बड़ी होती है या छोटी? ये छोटी है, बुरी नहीं। अच्छा, इसे जी। और ये? ये भी चला भैया है। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये लाचो है। ये नीमक छुटकिया है। अच्छा, ये चौकिया है। अच्छा, और ये तो इसका करते क्या है, मतलब इसकी सब्जी बनाते हैं या फिर कैसे खाते हैं? ये तो फ्राई करके भी खाते हैं। अच्छा, ये चटनी बनाता है। सीधा चटनी, चटनी बनाते हैं। कौन सी मछली है ये? ये तेलस मच्छी है। अच्छा, तो वो जो एक बहुत लंबी वाली है उसका नाम क्या है? छुरिया मच्छी है, छुरी मच्छी है। अच्छा, तो इसको कहाँ से आती हैं मछलियाँ यहाँ पे, क्योंकि हाफलोंग में तो जागीरूर से, जागीरूर से आती है। अच्छा, यहाँ यहाँ से कितना दूर है? तो कितना होगा, इधर हम लोग तो अपना से नहीं जाता ना, सब आदमी लोगों ने आता, हम लोग के जैसे लेता। बहुत दूर है क्या? बहुत दूर है। अच्छा, यहाँ लोग बता रहे थे कि यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, तो मच्छी कैसे पकड़ते हैं यहाँ पे? पानी की तो दिक्कत है, माछी तो बाहर तरफ से आता। अच्छा, बाहर से आता। हाँ, सारी मछलियाँ बाहर की हैं। सारा मच्छी बाहर का है। अच्छा, वही मुझे ऐसा लगा कि ये हाफलोंग की ही मछलियाँ होंगी। अच्छा, वो क्या है, वो मच्छी नहीं है ना? ये चिंगड़ी मच्छी है। अच्छा, वो भी मच्छी है? ये भी मच्छी है। अच्छा, तो एक तो हो गई चटनी, ये चटनी वाली है, ठीक है। फ्राई वाली कौन सी है? फ्राई वाली भी इसे सब फ्राई। अच्छा, सब फ्राई। अच्छा, सब्जी नहीं बनती है? सब्जी तो नहीं बनती है। अच्छा, ये मतलब ये लोग जब पार्टीज वगैरह करते हैं तब फ्राई चीज़ें पसंद करते हैं साथ में, तो उस काम आती हैं ये, आ जाती हैं। और चटनी भी है यहाँ पे। तो दादा, ये मतलब और क्या भाव होता है इनका? ये सबसे महंगी वाली कौन सी? सबसे महंगी लिए 500। 500 रुपये किलो? हाँ, किलो। सबसे सस्ती तो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। कितना? ये 300 रुपया किलो। अच्छा, मतलब 300 से 500 रुपये किलो है ना, बहुत सस्ता मामला नहीं है ये, ठीक है। और एक दिन में कितना कमा लेते हैं दादा? नहीं, एक दिन में तो 200-250 रुपये, इसे सेल भी 1500-1200 इसे होता। सब्जी समान नहीं। अच्छा, सब्जी समान नहीं होता। घर पे कौन कौन है? घर में तो फैमिली है, बच्चा सब, यही हाफलोंग में। सब भी हाफलोंग में? हाँ, हाफलोंग लेते। तो चल जाता है आपका जितना पैसा आता है उसमें? कोई सूरज चलता, कोई सूरज चलता, मतलब मेंटेन कोई सूरज चल जाता, हो ही जाता। अच्छा, चल जाता है। और अभी यहाँ नई सरकार आएगी असम में, उसको क्या करना चाहिए आपकी तरह जो लोग मच्छी की दुकान लगाते हैं उसके लिए? ये तो नए सर के आएंगे तो अच्छा है हम लोग का लिए। अच्छा, ये बताओ, राशन आपके वो मिल जाता है? रेशन मिलता है। और बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चा तो चार बच्चा है। अच्छा, चार बच्चा है। एक टू बच्चा बड़ वाला तो 17 साल हो गया, और सबसे छोटा वाला 4 साल। अच्छा, चल रहा है मतलब। हाँ, तो ये तो, और ये पढ़ने कहाँ जाते हैं सब? पढ़ने तो इधर में गर्ल्स है, गर्ल्स में पढ़ता। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज सरकारी? सरकारी। अच्छा, और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई मिल चल रही है? चल रही। अच्छा, और इनके जो लड़कियों को जो यूनिफॉर्म मिल रही है, स्कूल से मिलती है कि आपको खरीदना पड़ता है मार्केट से? नहीं, स्कूल से ही पढ़ता मिलता, मिल रहा है। और वहाँ उनको स्कूल में खाने को मिलता है? मिलता। चलिए, मतलब सरकारी जो स्कीम्स हैं
जो सरकारी कॉलेजेस और स्कूल में चलती हैं, इनका ऐसा कहना है कि इनके बच्चों तक वो पहुंच रही हैं। ठीक है दादा, अच्छा लगा आपसे बात करके, दोबारा आएंगे हैफलोंग तो कुछ ख़रीदेंगे आपसे। ठीक है, हैफलोंग बाज़ार में ये थी बातचीत एक ऐसे दुकानदार से जो अपनी एक छोटी दुकान चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं। मुझे हैफलोंग के बारे में बताया गया था कि यहाँ लाइफ काफ़ी टफ है, लेकिन लोग आपको काफ़ी प्लेजेंट मिलेंगे, वो छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कतें नहीं ढूंढते हैं, वो काफ़ी खुश रहने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मुझे इनसे भी बात करके लगा। हैफलोंग सिजरी के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए दिल्ली टॉप की चुनाव यात्रा।